मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और लगातार हम और आप लोग मिलकर के कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कर रहे हैं। जो नियम दिए गए हैं उनको अभी पालन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और अभी मैनिफेस्टो पूरा आना है। जिस समय पूरा आएगा उस समय बहुत डिस्कशन और कई बिंदु उत्तर प्रदेश के विकास और खुशहाली के उसमें आएंगे। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं, कई लोगों पे एफआईआर भी हुई, बहुत सारे लोग संकट में भी रहे और हैरेसमेंट भी बड़े पैमाने पे हुआ है। जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम, कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औचित्य ये है कि हमें अपनी बात रखनी जनता के बीच में। डेमोक्रेसी में और इलेक्शन कैंपेन में जो आप अपना मुद्दा है वो लेकर के जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगू और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा। लेकिन जब तक नियम वही हैं, नियम जब पुराने हैं, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं उनका पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं अगर 300 यूनिट मुफ्त पाना चाहते हैं तो फॉर्म भरवाएं, अपना नाम लिखवाएं। और नाम इसलिए जरूरी है कि जो बिल में नाम आता है, बिल में जो नाम आता है वही नाम जरूरी है। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाएं और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उनपे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई और वो भी गिने गए, रोक रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4,
तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। नहीं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है, घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हैं और बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था, उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे, और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पर आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी में, उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं, हमारे बाई तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाई तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे, आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे हैं वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए। ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी। और अगर अभी, और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को, और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को यह पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी इनको, इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है 300 यूनिट का फ्री, और बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े। कौन? कौन कह रहा है? उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे,
और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादियों को अन्न क्यों खाते हैं ये, खाना छोड़ दें। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई। और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है, तो ये इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। अगर आपके पास सुझाव हो तो जरूर दीजिए, उसको भी शामिल करेंगे जो मैनिफेस्टो में हम शामिल करने जा रहे हैं। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इनटू टू कर दो तो कितनी हो गई सीटें बताओ। नहीं, अगर इनटू टू किया कितनी थी हमारी, तो लगता है इनटू टू थ्री करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं नहीं, वो जानते नहीं, रिपब्लिक वाले, वो रिपब्लिक वाले जानते नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही। इस सरकार को हो क्या जाता है, सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, जनता नाराज है अभी भी। लाइए, अभी लॉन्च कर देंगे, लाइए। अच्छा, मेरे प्रेस के साथियों से निवेदन है, ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस चार दिन का गाना लॉन्च हो जाए, इसलिए मैं अब मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको नाराजगी होगी तो इनसे हो। अभी नहीं, लास्ट में, अभी नहीं। ये जो गाने बन रहे हैं, मैं एक बार फिर सभी से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है, किसान को बर्बाद किया है, जानवरों से न जाने कितना नुकसान हो रहा है, नौकरी रोजगार खत्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और उनके दिए हुई व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, हर चीज बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जहां हवाई जहाज खड़े होते वो बिक रहा है, पानी के जहाज बिक गए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है बंदर का वो बिक गए, सभी संस्थाएं बिक रही हैं। और सोच विचार सोचना इस बात के लिए चाहिए, आज बताइए 2014 के बाद बैंकों में जो इंटरेस्ट था वो कितना कम हो गया। अगर आपका पैसा रखा था बैंक में तो बताइए उस समय क्या इंटरेस्ट मिलता था, आज क्या मिल रहा है? क्या बैंकें नहीं डूब गई? नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था जहां डूबी की डूबी, लेकिन क्या बैंकें नहीं डूब गई? बैंकें बिक गई। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है।
और बड़े बड़े आयोजन हुए, इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहां। आज जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो करार किए गए थे, एमओयू साइन हुए थे, आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए। जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? सवाल ये महत्वपूर्ण है आज। जो मीटर्स आए, मीटर्स की शिकायतें थी, मीटर्स वो होने चाहिए जो रेगुलेटर्स या रेगुलेशन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है जो अप्रूव करे। कोई भी खराब मीटर गरीब जनता के घरों में नहीं लगना चाहिए, उत्तर प्रदेश के जनता में के घरों में नहीं लगने चाहिए। वो कुछ कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं, वो कंफ्यूजन किसी कारण था जो आपने पिछले से पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, शायद आप भूल गए होंगे, उसी की वजह से ये हुआ। किसको? एसपी प्लस पीएसपी कितनी हो गई सीटें? क्या ट्वीट है? उनका नहीं, उनका करके आएंगे ना वनवास, तो जिसका साथ छोड़ते हैं उसका वनवास होता है। दोबारा भी साबित होगा 10 मार्च को। इधर लगातार सुझाव लिए गए थे और मैंने आपसे कहा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे, और बहुत सारे सुझाव हमें समय समय पर मिले हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिले हैं, हमारे शुभचिंतक हैं उन्होंने भी दिए हैं, समय समय पर किसान संगठन के लोग मिले हैं या और संस्थाओं के लोग मिले, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स मिले हैं, लगातार डॉक्टर्स भी संपर्क में, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। तो लगातार सुझाव समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जिन्होंने दिए हैं उनके सुझावों को रखा है। और मैं फिर भी कहता हूं, अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे पास भी है, इनबॉक्स भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। जैसी तारीखें चुनाव की घोषित हुई या पिछले एक साल से लगातार लोग कुछ न कुछ सुझाव दे रहे हैं। नहीं, प्रोग्रेसिव में यही है कि समाजवादी सिद्धांत लागू हो, भेदभाव खत्म हो, जाति के आधार पर फैसले नहीं हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सोशल स्कीम्स पहुंचे लोगों तक, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें हैं कम से कम वो लोगों को मिले। और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए करती है, आपके सामने एग्जाम्पल है, लखनऊ में आप देखिए वर्ल्ड क्लास मेट्रो है कि नहीं है, उसी तरह की मेट्रो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है, आप आगरा की वर्ल्ड क्लास मेट्रो बन रही कि नहीं बन रही, कानपुर में वर्ल्ड क्लास मेट्रो दी कि नहीं दी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नदियां साफ हों, आज दुनिया में बहस इस बात की होती कि नदियां कैसे साफ हों, पानी कैसे साफ मिले। तो एग्जाम्पलरी वर्क किया समाजवादी पार्टी ने, जो गोमती को साफ करके दिखाया, 900 मीटर अगर जुड़ गई होती तो शहर में साफ गोमती बहती, वर्णा पे काम शुरू कर दिया, आपकी इंस्टीट्यूशन बनाई बड़ी बड़ी, चाहे आपके कैंसर इंस्टीट्यूट बनी हो, क्योंकि यहां के गरीब लोगों को इलाज कराने बंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महंगा इलाज कैंसर का है और इलाज लोग नहीं करा पाते हैं, इसलिए समाजवादी सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट बनी। ये सब प्रोग्रेसिव है, लेफ्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना ये प्रोग्रेसिव सोच थी। समाजवादी पेंशन देना गरीब माताओं बहनों का, हो सकता है कि कल हम समाजवादी पेंशन को लेकर के आप लोगों को फिर तकलीफ दें एक बार। तो ये समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश है कि प्रोग्रेसिव काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, लोगों को जोड़ने का काम हो। हम लोग जोड़ रहे हैं, कभी नफरत की राजनीति नहीं करते।
कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोड़ते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीन्स इनके ऐसे हैं, याद है या नहीं याद है? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीन्स ऐसे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारा आपका दोनों का सैंपल ले लो, जीन्स चेक कर लो किसके कैसे हैं। हमारा भी सैंपल भेज दो डॉक्टर, हम भी दे रहे हैं, अपना भी सैंपल दे दो। तो ये प्रोग्रेसिव है कि हम जीन्स पे बात नहीं करते, हम उनके पक्ष में हैं, हम उनके पक्ष में हैं। केवल उनके नहीं, बीपीएड जितने भी, टीटी जितनी भी परीक्षा कैंसिल हुई, लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, वो सब चीजें आएंगी, वो आएंगी चुनाव के मैनिफेस्टो में, वो सब आएंगे जिन्होंने हमसे ज्ञापन दिए। नंबर्स नहीं, नंबर्स तो बहुत है, मैंने आपसे कहा ये सही सवाल पूछा इन्होंने, और इसलिए अच्छा सवाल है, और जिस पत्रकार साथी ने पूछा है उसे एक बार हमारी भी मदद कर दे उसमें। समाजवादी पार्टी में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, और 20 लाख के लगभग अलग अलग, 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुए, हम 20 लाख भी कहते हैं, 18 लाख से ऊपर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हुए। एक एक बच्चे के पास जाइए, आपको कहीं ना कहीं स्टोरी मिलेगी कि उस लैपटॉप से कितना उसको लाभ मिला, या पढ़ाई में मदद हुई, या उसने रोजगार कर लिया, नौकरी कर ली। और दो प्रोजेक्ट मैंने कई बार कहे और फिर कहता हूं, केवल दो प्रोजेक्टों को उदाहरण देता हूं, जो एससीएल लखनऊ में बना है, आज उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4000 से ऊपर लोगों को नौकरी और रोजगार मिले। जो एससीएल का लखनऊ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें 4000 से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को नौकरी मिलेगी और मिल रही है। अगर हम मेट्रो को देखें जो लखनऊ की है, उसमें 3000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। कानपुर में जो शुरू हुई है मेट्रो, वो अभी हाल फिलहाल 1200 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। तो तीन प्रोजेक्ट मैंने बताए, एससीएल जो था, जिसको एक्सपेंशन दिया, जिसको बाबा मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि कभी कभी उन्होंने किया है, उसमें भी हजारों की संख्या में, मैंने किसी अधिकारी से बात नहीं की है, मैं वो भी जानकारी करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार उस एक्सपेंशन से कितनी बिजनेस हुई या कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिली है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब लाखों लैपटॉप बांट सकते हैं, 18 लाख लैपटॉप दे सकते हैं, तो सोचो उससे नौकरी रोजगार कितने लाख को मिली होगी, और इस सेक्टर को आईटी और आईटी सर्विसेज कितना बड़ा ग्रो कर गया सेक्टर तब। तो उसमें प्लैंड वे में, अरे मैनिफेस्टो का इंतजार तो करो। पहले हम सब मिलकर सरकार हटाने, बीजेपी की। नहीं, उनका सुझाव कंसीडर करेंगे। और अभी बिजली पे कुछ पूछ लो, पूछ लो कुछ बिजली पे ही पूछ लो कुछ, तो वो ठीक होगा। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो, क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो? क्या चीज? ये लगातार चलता रहेगा, सरकार बन जाएगी फिर चलता रहेगा। कि एक विभाग का पूरे बजट का ये सवाल मुझसे न पूछो, ये सवाल 5 साल वालों से पूछो। नहीं नहीं, वो नहीं पूछे, अभी नहीं पूछे हमसे। हाँ, आप बाबा मुख्यमंत्री पूछिए कि क्या करते रहे 24 घंटे, क्या काम किया आपने कि जो इतना घाटे से इतना घाटा कर दिया? कितना घाटा बताया आपने? हमारे में तो 9000 करोड़ का, 18000 करोड़ का था, आज कितना? मैं ऐसे पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आंख खोल दी। 18000 करोड़ था जब समाजवादी सरकार थी उस समय वित्तीय घाटा,
और अब 5 गुना कर दिया, तो ये बाबा मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश का खजाना क्यों बर्बाद कर दिया? आप बजट छोड़ के गए थे 28,000 करोड़, तो अच्छी बात है 5,000 करोड़ फिर उसमें चला गया। ये हम पे छोड़ो, कैसे लाएंगे, पहले सरकार बनाइए उसके बाद करेंगे। अगर सब गणित अभी बता दें फिर कैसे कामयाब होंगे? किसकी? अभी नहीं, बहुत सारे सुझाव हैं, एकोमोडेट कर रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे हमारे इन्होंने बता दिया इतना घाटा है तो सरकार काम ही नहीं करेगी, इसका मतलब जो नहीं, हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे वहां पर, हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और हर जगह हर गांव में कार्यकर्ता हैं। नहीं नहीं, व्यक्तिगत भी जाएंगे, मैंने इसीलिए कहा कि हमारा जो कैंपेन है डोर टू डोर जाएगा। आखिरकार जब हम जनता के पास जाएं तो क्या लेकर के जाएंगे? तो हमारे पास फॉर्म होगा, हमारे पास मान लीजिए व्हाट्सएप से जानकारी देने की व्यवस्था होगी, तो इसलिए हमारे फिजिकली भी लोग जाएंगे डोर टू डोर फॉर्म भराने के लिए या जानकारी देने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए। डिजिटली हम लोग कनेक्टेड है, देखिए आपसे जो बात कर रहे हैं ये भी डिजिटली कनेक्टेड है, सवाल आपके आ रहे हैं लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से ये सब देख रहे हैं सुन रहे हैं।